हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केन में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी व अभ्यारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, यदि आप CGPSC और व्यापम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में दोस्तों, छत्तीसगढ़ ACF फ्रिंजर का पोस्ट आया है, उसमें भी छत्तीसगढ़ का प्रमुख व्यक्तित्व आपके सिलेबस में है, तो उस दृष्टिकोण से यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ GS टेस्ट 1। दोस्तों, यदि आप ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और वीडियो की लिंक आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में दोस्तों, आप अपना मार्क्स कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सॉल्व किया है। पहला प्रश्न है दोस्तों, उदंती अभ्यारण किस राज्य की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उदंती अभ्यारण कहां पर है, कौन से जिले में है, तो उदंती अभ्यारण गरियाबंद जिले में है और जो कि उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, उड़ीसा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, किस जिले में दो अभ्यारण है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, महासमुंद और बीजापुर। तो दोस्तों, दो अभ्यारण भैरमगढ़ और पामेड़ है। जो कि बीजापुर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। भैरमगढ़ अभ्यारण कब बना? ऑप्शन दिया है ए 1983, बी 1993, सी 1987, डी 1997। तो दोस्तों, भैरमगढ़ अभ्यारण बीजापुर जिले में स्थित है और यह 1983 में बना, तो ऑप्शन ए सही होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, उदंती वन्य जीव अभ्यारण को प्रमुखता किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन दिया है मोर, जंगली भैंस, जंगली शुकर और हाथी। उदंती अभ्यारण कौन से जिले में है, कमेंट करके आप हमें बताइएगा। दोस्तों, उदंती वन्य जीव अभ्यारण जंगली भैंसे वन भैंसे को संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य जीव अभ्यारणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया है 5, 7, 11 और 14। और दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइएगा कि नेशनल पार्क कितने हैं, छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण की संख्या 11 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। छठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है? ऑप्शन दिया है बादलखोल, तमोर पिंगला, सीता नदी और उदंती। दोस्तों, सबसे छोटा का लेंथ है 105 वर्ग किलोमीटर, बादलखोल, ठीक है, जो कि जसपुर जिले में स्थित है, 105 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है और उसका लेंथ कितना है। सातवां प्रश्न दोस्तों, यति यतन लाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े थे? ऑप्शन दिया है सेवाग्राम, रामकृष्ण, विवेक वर्धन और जैतू साहू मठ। तो दोस्तों, यति यतन लाल महासमुंद के विवेक वर्धन आश्रम से जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में अहिंसा प्रचार के अग्रदूत कहे जाने वाले यति यतन लाल ने महासमुंद के विवेक वर्धन आश्रम की स्थापना की। राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आठवां प्रश्न दोस्तों,
18वीं सदी के संत घासीदास, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, का जन्म खालिस्तान में हुआ था। ऑप्शन दिया है बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, संत गुरु घासीदास जी का जन्म बलौदाबाजार जिले में हुआ था, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा सतनामी पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, 18 दिसंबर 1756 में बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में हुआ था। इनके पिता का नाम महंगूराम और माता अमरौतीन बाई थी, ध्यान में रखिएगा। नौवां प्रश्न, 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे। ऑप्शन दिया है बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारे लाल। तो दोस्तों, 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर ई राघवेंद्र राव रहे। ई राघवेंद्र राव 1936 में मध्य प्रदेश के अस्थाई गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इन्हें वायसराय की कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी बनाया गया। इनके प्रयास से ही नागपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। दसवां प्रश्न दोस्तों, बंधवा मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु आजीवन संघर्षरत स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ। ऑप्शन दिया है राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर और बिलासपुर। तो दोस्तों, स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ था। ये बंधवा मजदूर प्रथा के विरुद्ध में आजीवन संघर्ष करते रहे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ग्यारहवां प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल किस जिले के हैं। ऑप्शन दिया है राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर और धमतरी। तो दोस्तों, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म राजनांद गांव के दहान गांव में हुआ था। उन्होंने 1909 में, ध्यान रखिएगा, 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। 1930 में पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व किया और 1938 में सहयोग से छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो आपको डेट याद रखना है 1909, 1930 और 1938। 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, 1930 में पट्टा मतलो आंदोलन और 1909 में सरस्वती पुस्तकालय। ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। बारहवां प्रश्न दोस्तों, महर्षि महेश योगी की जन्मस्थली है। ऑप्शन दिया है भोरमदेव, कवर्धा, बैकुंठपुर, कोरिया, महासमुंद और पांडुका, रायपुर। तो दोस्तों, महर्षि महेश योगी का जन्म रायपुर के पांडुका में हुआ, तो ऑप्शन डी, ये रायपुर नहीं, अब हो गया है ये गरियाबंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गरियाबंद पांडुका। तेरहवां प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किसका प्रचार किया। ऑप्शन दिया है शैवमत, वैष्णवमत, निर्गुण और सूफी। तो दोस्तों, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक संत वल्लभाचार्य जी का जन्म चंपारण में हुआ था। उन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, महाप्रभु वल्लभाचार्य से संबंधित CGPSC के विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो चंपारण से संबंधित थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, चंपारण कौन से जिले में आते हैं, तो इसे आप विशेष करके ध्यान में रखेंगे। चौदहवा प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन दिया है बिरजू महाराज, ललित, सुरजन, मिनी माता और पंडित रविशंकर शुक्ल।
तो दोस्तों बिरजू महाराज का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मिनी माता का जन्म असम के जमुनामुख में हुआ था, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म मध्य प्रदेश के सागर में हुआ था, तो ऑप्शन ए बिरजू महाराज सही होगा। 15वां प्रश्न दोस्तों, किसने अष्टछाप की स्थापना की थी? ऑप्शन है माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, महर्षि महेश योगी और शिवाजी। तो दोस्तों संत वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। 16वां प्रश्न दोस्तों, मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन दिया है मीनाक्षी देवी, मीरा देवी, इंदिरा देवी, अनुसुईया देवी। तो दोस्तों मिनी माता से संबंधित मैंने छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व में वीडियो बनाया हुआ है, उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों मिनी माता के बचपन का नाम मीनाक्षी देवी था। असम के जमुनामुख में जन्मे मिनी माता का बचपन का नाम मीनाक्षी देवी था। वे छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद थी। उन्होंने 1952 से 72 तक सारंगढ़, जांजगीर चांपा और महासमुंद क्षेत्र में लोकसभा के लिए चुनी गई। 11 अगस्त 1972 को एक हवाई दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। 17वां प्रश्न दोस्तों, मिनी माता ने किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन है सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद। तो दोस्तों 1952 से 72 तक मिनी माता ने सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद तीनों लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व किया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न दोस्तों, दिलीप सिंह जुदेव मूलतः कहाँ के थे? ऑप्शन दिया है रायपुर, बिलासपुर, जसपुर और सरगुजा। तो दोस्तों दिलीप सिंह जुदेव जसपुर के राजघराने से संबंधित थे। वे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा जसपुर। 19वां प्रश्न दोस्तों, विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध किस स्थान से था? किरोड़ीमल धमतरी, रायगढ़, रायपुर और दुर्ग। तो दोस्तों विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध रायगढ़ जिले से है। यहाँ इनके नाम के अनेक संस्थाएं, नगर आदि निर्मित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 20वां प्रश्न दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किनके अथक प्रयत्नों से हुई थी? ऑप्शन दिया है पंडित वामरावला के, बी एन खरे, चंदूलाल चंद्राकर और डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के अथक प्रयासों से भिलाई में 1957 में इस्पात संयंत्र की नींव रखी गई। इन्होंने आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी पंडित रविशंकर शुक्ल सही होगा। 21वां प्रश्न दोस्तों, रायगढ़ से संबंध फिल्मी अभिनेत्री है पद्मिनी कोल्हापुरी, सुलक्षणा पंडित, अरुणा ईरानी, उमा देवी। तो दोस्तों सुप्रसिद्ध गायिका तथा अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का संबंध रायगढ़ से है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? राजा नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा। तो दोस्तों उपरोक्त व्यक्तियों में विद्याचरण शुक्ल कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, परंतु इनके नाम छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा 9 बार सांसद बने हैं छत्तीसगढ़ से। जबकि राजा नरेश चंद्र 1969 में ये बने थे, 1969 में। श्यामाचरण शुक्ल 1972, 77 और 90 में। मोतीलाल वोरा 1989 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन स्कूली क्रिकेट के दिनों में प्रसिद्ध क्रिकेटर सी के नायडू के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करते थे? ऑप्शन दिया है राजा रामचंद्र सिंह, राजा रामानुज प्रसाद सिंहदेव, राजेश चौहान और राजा
मोहन सिंह बघेल। तो दोस्तों 1901 में कोरिया रियासत में जन्मे राजा रामानुज प्रताप सिंह एक कुशल क्रिकेट खिलाड़ी थे। वे सी के नायडू के साथ पारी की शुरुआत करते थे। उन्होंने 1946 में राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था की। हिंदुस्तान का प्रथम न्यूनतम वेतन कानून प्रारंभ किया और 1954 में इसका निधन हो गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 24वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे महिला संत की उपाधि दी जाती है? ऑप्शन है माता राजमोहनी देवी, मिनी माता, बिन्नी बाई और विनोदनी मिश्र। तो दोस्तों सरगुजा क्षेत्र से संबंध रखने वाली माता राजमोहनी देवी एक समाज सुधारक रही है। इन्होंने महिला संत की उपाधि भी दी जाती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में मद्य निषेध, भूदान जैसे आंदोलन चलाए हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसने मद्य निषेध और आदिवासी उत्थान के लिए जन आंदोलन चलाए? मिनी माता, राजमोहनी देवी, बिन्नी बाई और छबीलाल नेताम। तो दोस्तों 1914 में एक गरीब किसान के घर में जन्मी राजमोहनी देवी ने मद्य निषेध आंदोलन, भूदान आंदोलन, आदिवासी उत्थान आंदोलन आदि चलाया। उन्होंने 1986 में इंदिरा गांधी पुरस्कार तथा 1989 में पद्मश्री उपाधि से नवाजी गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए उसे भी आप कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और धन्यवाद दोस्तों।